प्रदेश के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री पीएल मीणा जी, एक्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक डॉक्टर कृष्णा इलाजी, उद्यान विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रगतिशील किसान, बागवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश भर से आए हुए और देश के अन्य राज्यों से भी यहाँ पर उपस्थित प्रगतिशील किसानों, बागवानों और इस क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका मैं प्रदेश के इस आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में ही जिस फल का नाम आम हो उस फल की विशेषता और उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वो आम है इसलिए सबके लिए सुलभ भी है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। और इसीलिए तो जो आम होगा वही राजा भी होगा और इसलिए फलों के राजा के रूप में आम को सबने महत्व दिया है। आम महोत्सव 2024 पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है, अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है, उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सकें इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी दिन से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी, आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार, जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया, यानी 160 वर्ष का इतिहास है, आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया, यहां पर कितना आम का दाम होगा, 60 से लेकर 100 रुपए के बीच, लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। यानी अगर हम यहां से
ड्यूटी भी लगा ले, यहाँ से उसके कार्गो के दाम भी लगा ले, उसके एयर फेयर को भी उसके साथ जोड़ ले, तो भी या बहुत ज़्यादा होगा तो 250-300 रुपए तक जाएगा, तो भी एक किसान को, एक बागवान को 600 रुपए की बचत एक किलो में होने जा रही है। मुझे बताओ, जो किसान यहाँ पे एक किलो आम को 45-50-60 रुपए से लेके 100 रुपए किलो बेचेगा, वह समृद्ध होगा कि जिसका आम अच्छी क्वालिटी का आम, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी पैक हाउस से प्रोसेसिंग के बाद, उसको तोड़ने का तरीका, उसकी पैकिंग का तरीका, उसकी क्वालिटी को पहले दिन से ही बनाए रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो उसी आम का दाम दुनिया के मार्केट में 900 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 600 रुपए की बचत अकेले एक किलो में एक बागवान को, एक किसान को प्राप्त हो जाएगा। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी थे और अन्य अधिकारी भी गए थे, मास्को गए थे, वहां पे इन्होंने आम महोत्सव किया था, वहां से भी इनको ऑर्डर मिले थे। लखनऊ अमरोहा के हमारे किसान गए थे। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है, अच्छा दाम मिले। हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है। और यह क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है, हमारे यहां के औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं उनमें भी ये क्षमता है। यही कारण है केवल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल होती है वह प्रदेश में और देश के लिए 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर देती है। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी, आप पश्चिम में जाएंगे सहारनपुर से लेकर के मेरठ के बीच में रटोल आपको मिल जाएगा, आप अमरोहा में आएंगे दूसरी बैराज प्रजाति आपको मिलेगी, लखनऊ में आएंगे तो लखनऊ में आपको दशहरी मिल जाएगी, बस्ती में जाएंगे वहां पर अम्रपाली मिल जाएगा, गोरखपुर में जाएंगे गौरजीत मिल जाएगा, वाराणसी जाएंगे लंगड़ा मिल जाएगा। ऐसी अलग अलग जनपद की अलग अलग वैरायटी भी है। आप सोचिए कि जब विज्ञान इतना अप्रगतिशील नहीं था, इतना आगे नहीं था, तब हमारा बागवान, हमारा अन्नदाता किसान नई नई वैरायटी देने में तत्पर रह करके कार्य करता था, आम की फसल को बचाता था, उसको कीड़ों से बचाता था, उसे हर प्रकार से एक नए तरीके से लगाने की तैयारी करता था। और आज जब सरकार सुविधा दे रही है, सरकार ने तमाम प्रकार से सुविधाएं देनी प्रारंभ की है, सरकार ने तमाम प्रकार से प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है, उन स्थितियों में इस प्रोत्साहन का लाभ लेते हुए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और अपने उत्पादन को इतना बढ़ाना होगा कि घरेलू मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हम मुनाफा कमाने के लिए दुनिया की मार्केट में भी भारत के आम को, उत्तर प्रदेश के आम को भेजने की तैयारी कर सके। इसके लिए आम महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और अन्य राज्यों से भी किसान आए हुए हैं जो इस आम की प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। तमाम अन्य संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। मैं इस अवसर पर भारत बायोटेक के अपने डॉक्टर कृष्णा इला को भी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहां के प्रोडक्ट को दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किया है, यह एक अच्छा प्रयास है। और सचमुच यह प्रयास ये बताता है कि सरकार, स्टेक होल्डर और किसान तीनों मिलकर के अगर कार्य करना प्रारंभ कर लें तो
किसान की आमदनी को मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप दोगुने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक बागवान और किसानों के बारे में जो अनेक कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे इसमें उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला यहाँ तैयार की गई है, जिसमें यहाँ पर इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पर सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कैसे आपको सपोर्ट किया जा सकता है, इस पर भी एक कार्यक्रम आज होने जा रहा है। बायर सेलर मीट के माध्यम से भी इसके विपणन और निर्यात की संभावना के विषय पे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के द्वारा आम के विपणन हेतु दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के बारे में जो उसके स्टैंडर्ड हैं, जो उसके मानक हैं, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आम की सुरक्षित तुड़ाई एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक पर भी यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा प्रगतिशील आम और उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता युक्त आम उत्पादन के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, और साथ साथ आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य भी आपस में चर्चा पर चर्चा के माध्यम से इसके बारे में समस्याओं के समाधान का भी कार्य यहाँ पर होगा। कल के जो कार्यक्रम है आम के सस्य क्रियाएं और पोषण प्रबंधन के बारे में, आम के प्रमुख कीट एवं व्याधियों के प्रबंधन के बारे में, आम की उत्पाद विविधता और मूल्य संवर्धन एवं निर्यात से संबंधित चर्चा यहाँ पर होनी है। ऐसे तमाम मुद्दों पर यहाँ पर अगले 3 दिन तक चर्चा पर चर्चा को बल देकर के आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है ही, लेकिन अब हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप उस प्रकार की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। दुनिया की मार्केट में उत्तर प्रदेश का आम छा जाए, इसके लिए हमें इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से जो जानकारी मिले उसको हमें अपने यहाँ प्रारंभ करना पड़ेगा। कहाँ से निर्यात की संभावनाएं बन सकती हैं और किन देशों के लिए बन सकती हैं, उन देशों तक अपनी पहुंच को बनाना ही पड़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की ये सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी, और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किसान और बागवानों के पशुपालकों के हितों के संवर्धन के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, वह एक किसान की एक बागवान की आमदनी को कई गुना करने में मददगार होगी। 3 दिवसीय आम महोत्सव के अवसर पर मैं एक बार फिर से जितने भी यहाँ पर बागवान आए हैं, किसान आए हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स आए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और इस महोत्सव की सफलता की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आम महोत्सव में मुख्यमंत्री पहुंचे और साथ ही उन्होंने उद्घाटन समारोह की। क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं इस महोत्सव की और कैसे उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है इसका भी जिक्र किया, और पहले के मुकाबले किस हद तक क्वालिटी में सुधार हुआ है और किसानों को कैसे इसका सीधा फायदा हो रहा है